ईवीएम खुला होगा तो उसमें सुबह वाले वोट भी होंगे, शाम वाले वोट भी होंगे। नहीं, लेकिन अलग शाम का ईवीएम शिफ्ट होगा, अलग अलग चरण होता है ना। बीजेपी लीडिंग इन ईस्ट दिल्ली, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, दसवां, ग्यारहवां, वो तो उसी से आता है। तो उसी में आपको लगता है पार्टी अध्यक्ष, मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप बिल्कुल अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। दो दिखाया हम 22 पा रहे हैं, तो अभी निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो दो दो एक एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। मनोज जी, सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है और ये कहा कि आज मंगलवार को हनुमान जी के भाजपा की लंका में आग लगा दी। अब इस तरह की अहंकारी बातें नहीं करनी चाहिए और इस ये समय नफरत और अहंकार दिखाने का नहीं है। अपने पॉजिटिव आशा के साथ अगले बाकी चरण के मत जो, अब ये समय नहीं है अहंकारी और नफरत की बातें करने का। सेम मनोज तिवारी दैट वाज एक्चुअली यूजिंग दिस द सेम इशू ऑफ द हनुमान टेंपल विजिट और कैसे हनुमान की मूर्ति को पुजारी जी धो रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने उनको उन्हीं हाथों से छू लिया जिन हाथों से जूते उतारे थे। कॉमेंट्स दैट ही मेड 3 डेज अगो ऑन सैटरडे, ऑब्वियसली द टोन हैज नाउ चेंज।